Hello friends, welcome back to Vanna's Art Impression. Today I am going to show you another tutorial of Madhubani painting. आज हम लोग work करेंगे Lord Krishna की Bharani style की Madhubani painting में, which will be very easy and beautiful. So I think you will definitely enjoy this tutorial. First of all, we need seeds. यहाँ मैंने 200 GSM की seed ली है, जो 10 by 17 inches की है. आप 150 GSM से ऊपर की सीट ले सकते हैं. इसके अलावा हमें चाहिए CD मार्कर. मैंने यहाँ पे CD मार्कर और जेल पेन दोनों लिए हैं आउटलाइन के लिए. आफ्टर दिस वी नीड एक्रेलिक पेंट. यू कैन ऑल्सो यूज़ वाटर कलर और पोस्टर पेंट. यहाँ मैंने फेविक्रिल का एक्रेलिक पेंट लिया है. आप कोई भी कंपनी का एक्रेलिक पेंट ले सकते हैं जो आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो. We need some brushes also. Here I am using 0 2 and 4 number brushes, round and flat brushes for blending and outlining. So let's start the tutorial. First of all, मैं यहाँ पे outline दे देती हूँ border बनाने के लिए. मैं यहाँ border तैयार करूँगी. And don't forget to give double line. Whenever you are making Madhubani painting, so here I am giving double line in the border as well. यहाँ मेरी border line complete हो गए हैं. अब मैं border बनाना start करूँगी. Here I am using zigzag patterns in the first border. Draw zigzag patterns. Here I draw another patterns in semicircle style. सेमी सर्कल पैटर्न तैयार हो जाने के बाद मैं लीफ स्टाइल में इसके बीच में पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ और उसे कश स्टाइल से फिल कर दूँगी. कशनी स्टाइल का मतलब यहाँ मैं फ़ाइन लाइन से फिल कर रही हूँ. जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी मैं फ़ाइन लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, एक दूसरे से टच नहीं किया जा रहा है. आप कोशिश करें कि फ़ाइन लाइन्स बहुत ही बारीक हों लेकिन एक दूसरे से टच ना हों. इसी तरह हम लोग पूरा बॉर्डर तैयार कर लेंगे. फर्स्ट बॉर्डर तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बॉर्डर कैसी बनी है. After completing first border, I draw some circle in second border and fill with check patterns. Check patterns fill करने के बाद मैं इसमें double line दे दूँगी और जो भी space बचा है मैं उसमें color करूँगी. Third border के लिए यहाँ पे मैं zigzag patterns फिर से ले रही हूँ. ये मेरा बहुत ही फेवरेट पैटर्न्स है और इसे भी फाइन लाइन से कुछ कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे और इसको ये कंप्लीट करेंगे. सो एंजॉय दिस वीडियो. ये बॉर्डर तैयार हो जाने के बाद बहुत सुंदर लगने लगी है. अब हम लोग इसे कलर करेंगे. Here I am using zero number brush and acrylic paint. Let's start coloring. First of all, here I am using lemon yellow color, जो border को बहुत ही सुंदर look देगी जब paint हो जाएगी तो. और इसके साथ मैं combination दूंगी green की, जो border को बहुत ही attractive
बनाने का काम करेगी। जब ये दोनों कलर एक दूसरे को के साथ रहते हैं तो बॉर्डर बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बॉर्डर बहुत ही सुंदर लगने लगी है। इसके अलावा मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ बॉर्डर में। बॉर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग विच मेक्स द पेंटिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड वेन द ब्राइटर कलर आर यूज इन दिस पेंटिंग इट्स ब्यूटी इंक्रीज इवन मोर। सो आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम लोग ब्राइटर कलर क्यों यूज़ करते हैं, साथ में डबल लाइन क्यों देते हैं और बॉर्डर क्यों बनाते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है जो मधुबनी पेंटिंग को दूसरी पेंटिंग से बिल्कुल अलग दिखाती है। यहाँ मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है। बॉर्डर तैयार हो जाने के बाद बहुत सुंदर लगने लगी है। नाउ आई एम स्टार्टिंग टू ड्रॉ लॉर्ड कृष्णास फेस। फेस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं एक उल्टा एल बनाऊंगी और नोज़ तैयार करूंगी थोड़ा कर्व देते हुए। उसके बाद नीचे लिप्स ड्रॉ करूंगी और उसके बाद मैं फेस के अदर पार्ट को तैयार करूंगी। एज़ यू नो इन मधुबनी पेंटिंग द आइज़ आर ऑफन मेड लार्ज। सो यहाँ पे मैं आइज़ काफ़ी बड़ी दे रही हूँ जिससे भगवान कृष्ण की पेंटिंग बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। यहाँ मैं फेस बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग स्टाइल में ड्रॉ कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ फेस इन मधुबनी पेंटिंग स्टाइल देन प्लीज़ वॉच माय मधुबनी पेंटिंग ट्यूटोरियल। दिस ट्यूटोरियल इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ मैं लॉर्ड कृष्ण को शंखनाद करते हुए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जब महाभारत में जब युद्ध प्रारंभ होने वाली थी तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने शंखनाद किया था और इनके शंखनाद के बाद ही युद्ध प्रारंभ किया गया था। इसी दृश्य को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पेंसिल से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सीडी मार्कर से इसे मैं कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट हो जाने के बाद ये ऐसी लग रही है। अब हम लोग डिटेलिंग वर्क करेंगे और डेकोरेट करेंगे भगवान कृष्ण के ड्रेस को। यहाँ पे मैं कुछ पैटर्न से इनके कवच को डिटेलिंग वर्क कर रही हूँ और इसे डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ।
यहाँ मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब कलर करेंगे और इस पेंटिंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। फ्रेंड्स, हाउ यू फील अबाउट दिस पेंटिंग ट्यूटोरियल, प्लीज़ कमेंट बिलो। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, जिससे जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। ट्यूटोरियल में जो भी मैं पेंटिंग तैयार करती हूँ उसे आप मेरे एफबी पेज पे जाके देख सकते हैं। मेरे एफबी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। Finally, I have prepared this painting and it looks so very beautiful. Guys, comment करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये painting कैसी लगी। Thank you so much guys, being a part of this painting tutorial. Thank you so much.